21 साल में कौन शादी करता है यार अभी। मैं 21 साल की नहीं हूँ, मैं 20 साल की हूँ, 21 साल की होंगी। मुझे नहीं लगता मैं अभी शादी के लिए रेडी हूँ। बहुत कम लगता है, कम से कम 25 होना चाहिए। 18 साल भी ठीक ही था अगर उसको मन था तो, अब मन नहीं है तो 40 साल भी। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने उठाया है। आई थिंक कोई एज नहीं होती, व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड यू शुड गेट मैरिड। वो एक अच्छी बात होगी ना, पापा को भी कह देंगे कि पापा अब तो लीगली नहीं है, क्या आप इसे पहले मैं शादी करा दो। नहीं, एकदम खुश नहीं है हम लोग। हम बहुत से क्योंकि 18 इयर्स 17 तक आते आते पेरेंट्स बोलते हैं यार लड़की को विदा करो अब यहाँ से। एज लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, जब तक लड़की चाहे अपना पढ़े, अपना इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद वो कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। अब सरकार की तरफ से ये बातें कह दी जा चुकी हैं कि लड़कियों की मिनिमम एज जो 18 साल थी वो अब 21 साल हो जाएंगी, यानी कि शादी करने की जो उनकी मिनिमम एज है वो 21 साल है। अब इस पे लड़कियों का क्या मानना है, ये नियम सही है या नहीं, क्योंकि कई ऐसी लड़कियाँ हैं जो 18 साल के बाद भी शादी करना चाहती हैं, तो उनसे ही हम जानेंगे कि वो क्या सोचती हैं 21 साल शादी के लिए क्या सही है। लड़कियों के लिए सरकार ने 21 साल मिनिमम एज सेट किए हैं, कहा गया है कि 21 साल के बाद लड़कियां शादी, इसके पहले 18 साल तक था। क्या लगता है 21 साल के बाद शादी? 18 साल वाज ओके, लाइक ठीक है अगर, और किसी को नहीं करना था तो वो किसी भी साल में करो तो वो गलत है। अगर 30 साल की हो गई एंड शी डजंट वांट टू मैरी गेट मैरिड तो फिर वो गलत है, और 21 साल तो ऐसा कुछ ठीक है, 18 साल भी ठीक ही था अगर उसको मन था तो, अब मन नहीं है तो 40 साल भी। मतलब 21 साल से कम में अगर मन भी करे लड़कियों को तो शादी नहीं कर सकते? हाँ, तो ये तो गलत है क्योंकि हाँ सबका अपना अपना चॉइस, और 18 लड़कों के लिए 18 ही है अभी, लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए भी 21। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि इसको लीगल बना देना चाहिए था, ठीक है करते कि हाँ ये एक सही एज है, बट ऐसा कोई लॉ बनाना इज़ नॉट गुड। 18 साल ही सही था। क्यों? क्योंकि काफ़ी समय होता है कि लड़कियों को उसके बाद शादी करने का मन रहता है, या फिर उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर पाते हैं और उन लोगों को दूसरे से शादी करना रहता है, तो कभी कभी मतलब उसके वजह से भी जल्दी शादी करने के लिए होता है, तो आई थिंक 18 साल ही बेटर था। नहीं, ऐसा नहीं लगता है, 21 साल तो अच्छा एज है, क्योंकि एक साइकोलॉजी के हिसाब से ये बोला गया है कि लड़कियों का दिमाग ना 3 साल बड़े होते हैं मेंस के अनुसार, तो 21 साल है तो इस बेटर कि उनका जो ग्रेजुएशन और जो फील्ड है वो भी कंप्लीट होगा। ऐसे पेरेंट्स भी क्या करते हैं ना, 18 साल का होता है उनका मैरिज करवाते, उनका एजुकेशन भी पूरा नहीं होता है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने उठाया है। तो हाँ, 21 साल अगर 18 साल के बाद लड़की को मन भी करे शादी करने की तो वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकता है, पर ये अच्छी बात है ना, ये आपका जो यूथ है वो इम्प्लॉय होगा, एजुकेटेड होगा, ग्राफ बढ़ेगा, तो ये एक दायरा फिक्स किया गया है ना गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत लड़कियां करती हैं ऐसा, तो ये अच्छी बात है ना गवर्नमेंट के। नहीं, ज़्यादा नहीं, इसे और ज़्यादा हो सकता है तो ज़्यादा बेटर ही होगा, क्योंकि आज के पहले जितना यू नो लड़कियों का शोषण हुआ है कि अर्ली मैरिज कर लो, अर्ली मैरिज कर लो, तो उसके जगह अगर 21 से अगर आप 22 भी कर दो तो मुझे कोई इशू नहीं है, मतलब मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि राइट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ माय परसुइंग माय मास्टर डिग्री आल्सो, तो एक अच्छी बात होगी ना, पापा को भी कह देंगे कि पापा अब तो लीगली नहीं है, क्या आप इसके पहले मैं शादी करा दो, तो दैट्स अच्छा ठीक है। ऑफकोर्स सही लगता है, बिकॉज तब तक बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं कि जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है एजुकेशन की, पर तब तक शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ जाए, उनको ये अवेयरनेस आ जाए कि नहीं, और उसके बाद वो डिमांड कर सकती है ना कि नहीं मेरे को पढ़ना है, तो अच्छा है, इंक्रीज़ जितना होगा लड़कियाँ उतना पढ़ेंगी, उतना अच्छे से करेंगी। कई लड़कियों को 18 साल के बाद भी मन करने लगता है कि शादी करनी है उन्हें, तो क्या लगता है उनके लिए सही है? अब उनका वो अपना अप्रोच है, पर उन एक के वजह से, किसी के डिज़ायर के वजह से बाकी सबका जो लाइफ ख़राब हो जाता है, तो उसके वजह से किसी और को नहीं ना पे करना चाहिए। 21 साल के तो वो मायने रखता ही है, बट लड़का को समझना चाहिए कि लड़की को कैसे रखे जाए, एक परिवार से शादी होती है, एक लड़के से शादी होती है। जी 18 साल तक अभी तक थे, 21 हो गए हैं, तो मैं बोलती हूँ कि लड़की की शादी तो करनी चाहिए, तो वैसे परिवार में करनी चाहिए जो बेटी बना के रखे, वो बहू नहीं रखे। चलिए ठीक है, ये भी सही है, 21 साल के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि शादी अपनी चॉइस है, जैसे कि हम अपनी मर्जी से करते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है 18 पे ही करें, 21 पे ही करें, अगर 21 पे आई है तो और अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियां और मैच्योर हो जाएंगी और अपना सही गलत समझ सकती हैं और अपने बारे में अच्छा सोच सकती हैं। हाँ मतलब सही है,
बट ये फॉलो नहीं होगा बिकॉज कि मतलब आजकल के ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पहले ही शादी कर देते हैं लोग, और इस वजह से फिर और लोगों को छुपाना ही पड़ेगा क्योंकि फिर 21 इयर्स तो ये फॉलो हो ही नहीं पाएगा यहाँ के ये में। पहले तो 18 साल था, अब 21 साल हो गया, आपको नहीं लगता है ज़्यादा है ये? ज़्यादा है बिकॉज है तो नहीं, बट यहाँ के लोग उसको करप्शन की टाइप से ही होंगे बिकॉज वो लोग छुपाएंगे ही अपना एज, 18 के पहले ही शादी कर देते हैं तो 21 के पहले तो ये तो कुछ होता नहीं है ना। सही है ये नियम? सही है फॉर लिटरेट पीपल मतलब, और बाकी ज़्यादातर पॉपुलेशन के लिए ये सही नहीं है। आई डोंट थिंक 21 साल के बाद शादी होनी चाहिए, आई थिंक कोई एज नहीं होती व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड यू शुड गेट मैरिड। जब तक मेंटली प्रिपेयर ना हो तब तक शादी नहीं होनी चाहिए। मैरिज कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते तभी आपको शादी कर। पहले तो 18 साल थी तब भी लड़कियाँ खुश थी, अब 21 साल हो गया हम लोग और खुश हैं। और खुश हैं। ये तो नहीं होना चाहिए, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। और अभी यार 21 साल में कौन शादी करता है यार, अभी ग्रेजुएशन कम्प्लीट है, फिर आगे कॉम्पिटिशन है बैठने के लिए। जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो तब तक नहीं शादी। नहीं, अपने आप जॉब अगर ना ले लिए तो बेकार ही पड़ रहे हैं ना, जॉब ही के लिए ना पड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये सही है, जब तक हम लोग अपने पे इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए तब तक नहीं करनी चाहिए शादी हमें जी। 21 वर्ष तक करना क्या लगता है? हाँ 21 उम्र है, 21 वर्ष बहुत छोटी उम्र है। मैं 21 साल की हूँ, मैं 21 साल की नहीं हूँ, मैं 20 साल की हूँ, 21 साल की होंगी, मुझे नहीं लगता मैं अभी शादी के लिए रह गई हूँ। आई डोंट थिंक सो कि 21 साल तक मतलब बहुत छोटा उम्र होता है वो, जब तक वुमेन गर्ल्स अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं मान लेती है और बहुत आगे नहीं बढ़ जाती, और वो एक हस्बैंड से ये एक्सेप्ट करना चाहेगी कि उसे इक्वल स्टेटस मिले, इक्वल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी तो हम सोसाइटी को अभी तो हम लोग जानते हैं, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, अब हम लोग देखते हैं, आते हैं जाते हैं कॉलेज, अब हम लोग सीखना स्टार्ट किए, तो 21 इयर्स गेटिंग मैरिड इज़ नॉट, आपको क्या लगता है? इट इज़ नॉट गुड। कितने साल तक मतलब कितने साल तक एज लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, जब तक लड़की चाहे अपना पढ़े, अपना इंडिपेंडेंट हो जाए उसके बाद वो कर सकती है। एज लिमिटेशन फॉर मैरिज इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट इट इज़ नॉट। सोच भी बदलनी चाहिए यहाँ की, एक तो है कि पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल दोनों हैं, तो दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और इक्वल दोनों होना चाहिए, तो वो नहीं है। और एक वुमेन नहीं, एकदम खुश नहीं है हम लोग, एज लिमिटेशन होनी नहीं चाहिए। जब तक लड़की अपने पैर पे खड़ी नहीं हो जाती है, जॉब नहीं सिक्योर कर लेती है, तब तक शादी नहीं होनी चाहिए। और हिस्सेदारी भी हम लोग को चाहिए, इक्वल स्टेटस चाहिए हम लोग को अपने जो हमारे ये होंगे। ये एक्चुअली ये सब पे खुद पे डिपेंड करता है, अगर पहले सबसे पहले लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, अगर वो जॉब करने के बाद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती हैं देन ही शादी करनी चाहिए। ये अगर 21 वर्ष अगर आपको फिक्स कर दिया गया, इसका मतलब प्रेशर नहीं बनाना चाहिए, सोसाइटी के साइड से प्रेशर बनाया जाता है, लाइक अगर आप नहीं करते हो दैट मीन्स आपके कैरेक्टर्स पे लोग सवाल करते हैं, तो पहले आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, देन अगर आप मतलब आपकी अंदर से अगर मतलब इच्छा हो तभी आप करनी चाहिए। चलिए ओके, प्रेशर नहीं, तो लड़कियों का कहना है कि प्रेशर नहीं होना चाहिए, जब वो इंडिपेंडेंट फील करने लगे तब वो शादी कर सकती हैं। मुझे लगता है सही है क्योंकि लड़कियों को इंडिपेंडेंस तो चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जब तक वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेती और जब तक वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं लगती, कुछ अर्निंग नहीं हो जाती उनकी, तब तक मुझे नहीं लगता उनको शादी करनी चाहिए। इक्वलिटी की बात करती हैं सरकार, लड़का और लड़की इक्वल होते हैं, शादी को लेकर के भी उन्होंने कह दिया है कि 21 साल अब लड़कियों की भी होंगी, लड़के की भी 21 साल हैं, कितना सही लग रहा है? बहुत सही है क्योंकि 18 इयर्स 17 तक आते आते पेरेंट्स बोलते हैं यार लड़की को विदा करो अब यहाँ से, एटलीस्ट 21 तक तो ग्रेजुएशन तो एटलीस्ट वो लोग कम्प्लीट कर लेंगे, क्योंकि आगे चलने के बाद हस्बैंड क्या करते हैं क्या नहीं उसके बाद तो उन लोग का। लेकिन 21 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं लगता? नहीं मुझे नहीं लगता, 21 में एक्चुअली बहुत कम लगता है, कम से कम 25 होना चाहिए, 25 होना चाहिए। लोगों को लगता है 25 साल के बाद लड़कियों को शादी करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद आप अच्छे से पहले करियर में सेट हो जाओ, उसके बाद, क्योंकि अगर सामने वाला सेटल है तो आप क्यों नहीं हो सकते सेटल, अब तो इक्वालिटी की बात हो रही है तो फिर दोनों को सेटल होना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, पहले 18 साल थी मिनिमम, अब 21 साल हो गया। हाँ तो 21 साल ज़्यादा है क्योंकि मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ती है ना, तो 21 साल में इंसान ज़्यादा मैच्योर होता है, तो
वैसे एज नहीं होना चाहिए एक्चुअली, सब अपने अपने हिसाब से उनका ब्रेन डेवलपमेंट सबका ग्रोथ होता है, तो एज वैसे कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ हमने लड़कियों से जाना कि उनका क्या मूड है, वो क्या सोचती हैं इसके बारे में। कई सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो ये सोचती हैं कि 21 साल सही है और सरकार को और भी एज बढ़ा देनी चाहिए ताकि लड़कियाँ उस टाइम तक मैच्योर हो जाएं, सारी चीज़ें समझने लगें और तब शादी करें। और कई सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो ये सोचती हैं कि 18 साल सही था, 21 साल ये ज़्यादा हो गया है। तो अलग अलग लड़कियों के अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ यही सोचती हैं कि उन्हें पहले पढ़ना लिखना है, मैच्योर होना है, इंडिपेंडेंट होना है और तब शादी करनी चाहिए। और भी ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए लाइफ सिटीज़ के साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल लाइफ सिटीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें और ट्विटर हैंडल पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।